वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा 1000 व्यूज़ क्रॉस कर 20,000 व्यूज़ के आसपास आने वाला है। कार के लिए ये भी एक और रूफटॉप की उसी डिमांड पे मैं न्यूली ओपन है। गाइस आप मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। वो बंद करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल टू माई चैनल फूडिलिज्म। और आप सब कैसे हैं कि फ्रेंड्स, हो या आ गई हो आपके लिए एक और न्यू वीडियो के। सो गाइस कैफ़े का नाम आपको ऑलरेडी थंबनेल डिसाइड कर रहे कि हम लोग यहाँ पे क्या ऑर्डर। कबाब्स भी है, कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ है, सारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फ्राइड प्रॉन होता है, उसका प्राइस यहाँ पे 725 रुपीज़ है। ये प्लेस जो है ये फोटो इंस्टाग्रामेबल है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लिक्स जैसे कि सनसेट के पहले आओ। ये ऊपर का सेक्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे डीजे प्ले होता है। सुप्रिया यहाँ के होस्ट, तो सुप्रिया बता सकती है कि ये कैफ़े कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है। 2 PM से ओपन होता है एंड 4 बजे सुबह 4 बजे 2 PM दिन के 2 बजे से स्टार्ट होता है। ये होल नाइट ओपन है, मॉर्निंग के 4 AM ये क्लोज हो। गाइस ये एकदम नया खुला है, तो यहाँ पे ऑफर्स भी अपकमिंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ का कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है जहाँ से लोगों को पता चलेगा। पेज नेम इज द स्काई स्टोरी लग्जरी हाउस, तो ये कैफ़े का नाम है। एंड जो भी यहाँ पे ऑफर्स आने वाले हैं अपकमिंग, आप उसको देख के यहाँ पे आ सकते हैं। स्पेस है, यहाँ पे भी आप डांस करके इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर में भी आप मतलब अपने प्लेस पे ही आप अपने म्यूजिक को इंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेन है कि आप यहाँ पे आके ओपन एरिया का इंजॉय कर सकते। आफरीन टावर के ऊपर में 4th फ्लोर में जो रूफ है यहाँ का, इसको इन्होंने पूरा स्पेस को यूटिलाइज करके कैफ़े ओपन किया। कितना दिन हो गया आपके इस कैफ़े को ओपन हुए? 24 नवंबर को ओपन हुआ, तो ये 1 मंथ हो रहा है। भी बहुत कुछ आने वाला है, ऑफर्स एंड और भी बहुत कुछ हम करेंगे। जैसे अभी न्यू ओपन हुआ है, बहुत कुछ आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो इम्पोर्टेड बेस आपको नज़र आ रहा है, ये गाइस 2500 रुपीज़ से स्टार्ट है। ये यहाँ का स्पेशल बेस है यानी, और ये जो नॉर्मल बेस आपको नज़र आ रहा है ये वाला यहाँ पे 700 रुपीज़ से स्टार्ट है। बट गाइस फेस्टिवल के लिए जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस एंड ऑल अभी चल रहा है, तो उसके लिए ये 700 रुपीज़ से अभी 999,000 रुपीज़ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हुआ है। और ये मैं ऊपर का आपको डेक में लेके जा रही हूँ। ऊपर देखिए, यहाँ से पूरा व्यू आपको मिलेगा कैफ़े का, और सिटी का भी व्यू आपको मिलेगा। ये एक डेक है और इसके ऊपर में ये प्राइवेट रूम है इनका, जो कि शाम के टाइम देख सकते कितना ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट का डेकोर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इसके भी ऊपर में एक और प्राइवेट आपको सिटिंग एरिया मिलेगा, जो कि ओपन मिलेगा। ये वाला पूरा कवर किया हुआ है। और उसके भी ऊपर में आपको एक और पोर्शन में मैं लेके जाऊँगी, जहाँ पे पूरा ओपन है। ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर में मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे हम लोग बैठे थे। और ये एकदम ऊपर टॉप का जो फ्लोर है, यहाँ से आपको पूरा सिटी क्लियर व्यू मिलेगा। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनका थीम जो है ये ओपन स्काई, यानी कि मतलब आप ओपन स्काई के नीचे बैठ रहे हो। एक ओपन रूफटॉप का भी कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ग्रीक टच भी इसमें है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ के फूड पर। तो फूड का मेनू मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप चाहो तो पॉज करके जूम करके सारे प्राइस एंड ऑल चेक कर सकते हो। तो नॉन वेज, वेज, कॉन्टिनेंटल सब कुछ यहाँ पे है, ऑलमोस्ट एक ही मेनू में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने ये स्टार्टर में एक सिजलिंग ड्राई चिली चिकन ऑर्डर कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे पीसेस जो थे 10 to 15 पीसेस के अप्रॉक्स थे, 15 नहीं 10 to 12 पीसेस के अप्रॉक्स थे यहाँ पे। तो क्वांटिटी एकदम सही था इसका। और ये जो कोटिंग था ना बाहर से, थोड़ा क्रिस्पी था, हल्का सा इस सॉस में टॉस्ट था। और इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम मतलब स्पाइसी नहीं था। तो अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइसी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और ये ग्रेवी में नहीं आता है, ये बिल्कुल ऐसे ड्राई तरीके का रहता है, क्योंकि ये सिजलर है। तो इसका प्राइस अराउंड 525 रुपीज़ था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो क्वान्टिटी एंड ऑल वो ठीक ही था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था इसका। सो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पे एक शीशा ऑर्डर किया है गाइस, जो मेन्यू में था 799 का। पता चला है कि मेन्यू यहाँ पे अपडेट हो चुका है शीशा का, बट प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं 9 का हो चुका है। तो ये हमारे लिए पहला शॉक था। उसके बाद अभी फूड का हम बता रहे। सो गाइस एक्चुअली हुआ ये था कि हमने सबसे पहले शीशा ऑर्डर कर लिया था मेन्यू देख के, तो वहाँ पे जो 699 प्राइस उसका मेंशन किया गया था। फिर बाद में जब हुक्का आ गया था टेबल पर, उसके बाद आके वहाँ पे स्टाफ बोलते हैं कि मैम ये 999 का हो चुका है, हमारे अपडेट हो चुके, पर मेन्यू में कहीं पे या फिर उन्होंने हमें ऑर्डर करने से पहले नहीं मेंशन किया था। तो फिर जो भी प्राइस 799 हमने वही प्राइस इनको पे किया, तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी फोर्स नहीं किया था। और ये सेकंड यहाँ पे हमने एक फिश एंड चिप्स ऑर्डर कर लिया था उनसे पूछ के कि यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है। तो फिश एंड चिप्स भी था, वो नॉर्मल था, ठीक ही था, क्योंकि 2 पीस थे, काफ़ी अच्छे चंक्स थे। बट गाइस इसका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, 625 रुपीज़, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है ये। और साथ में यहाँ पर थोड़े से सलाद दिए गए थे, सलाद में भी कुछ सॉल्ट एंड ऑल का टेस्ट नहीं था। और जो फ़िश इसमें यूज़ किया गया था वो बासा फ़िश था, जो कि एकदम वाइट बासा होता है, तो उसमें कोई स्मेल ऐसा भी नहीं होता है। तो साथ में थोड़ा बहुत फ्रेंच फ्राइज़ भी दिया गया था। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये नूडल्स ऑर्डर किया था, जो सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस लगा हमें। 470 रुपीज़ का ये चिकन नूडल्स था गाइस, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में थे नूडल्स। आप प्रॉन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, वेज भी ले सकते हैं। तो नूडल्स एंड राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्राइस्ड है। तो ऐसे ही एक सिंपल सा नूडल्स हम लोग को मिला था, और उसका ना सच बताओ तो कोई टेस्ट नहीं था, एकदम प्लेन। मतलब आपको अगर खाना है तो चिकन ग्रेवी के साथ ही इसको खाना होगा। तो एक चिकन ग्रेवी और नूडल्स अगर आप खाली लोगे तो वही 1000 क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए ये मुझे ओवर प्राइस लगा। तो मैंने यहाँ पे स्पाइसी सॉस जो स्टाफ को बोल के अलग से मैंने मंगवाया था, और उसके साथ ही मैं इसको ट्राई करी थी। तो जब मैं सॉस के साथ ट्राई करी थी तो ये खाने में अच्छा ही लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे आप समझ ही रहे कि 2% का अप्रॉक्स कितना आ सकता है, 1000 यहाँ पे आप पकड़ के चलिए 2% के लिए, अगर वो शीशा नहीं लेते तो। तो गाइज़ अब मैं बता रही हूँ ये सेलिब्रेशन का माहौल है, आप इस कैफ़े को बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सारा चीज़ डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ इंसान को, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पहले ये वीडियो मिल जाएगा, तो उनको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, और जो बाद में देखेंगे उनके लिए अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। थैंक यू सो मच। वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल 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 फ्री है गाइज़। और मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत सारे रूफटॉप प्लेसेस के और कोलकाता के न्यू न्यू अपडेटेड प्लेसेस के वीडियो मिल जाएंगे। इसी के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है गाइज़। इस न्यूली ओपन कैफ़े का जो लोकेशन है वो पार्क स्ट्रीट और स्प्लैनेड के एकदम सेंटर में है। तो आप चाहो तो स्प्लैनेड से भी आ सकते हो, आपके नज़दीक पड़ेगा, पार्क स्ट्रीट से भी आप आ सकते हो, वो भी आपको नज़दीक पड़ेगा। एंड नेक्स्ट गाइज़ हमारा जो टोटल अमाउंट आया था 2700 रुपीज़ आया था, जिसमें हम लोगों को 10% डिस्काउंट मिला, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये मिला। और उसके बाद हमारा बिल जो था 2300, साथ ही साथ सर्विस टैक्स जो था उसको मैंने रिमूव करवाया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हमारे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सबको फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज।